हाँ तो चलिए गाइज, हम इस वीडियो में आप लोग को यही बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग भी यूट्यूब पर थंबनेल लगाना चाहते हैं, यानी कि थंबनेल बनाना चाहते हैं, तो आप लोग कैसे बनाइएगा। आप लोगों को तो मालूम नहीं होगा, अगर जो नए क्रिएटर हैं उनको मालूम नहीं होगा कि हम अपना थंबनेल कैसे बनाएं और कैसे थंबनेल बनाया जाता है और किस एप्लीकेशन से थंबनेल बनाया जाता है, ये सब आप लोग का मालूम नहीं होगा। तो हम आज उसी के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर आप लोग भी थंबनेल बनाना चाहते हैं, अपने वीडियो पर थंबनेल लगाना चाहते हैं, तो कैसे लगाइएगा, कैसे बनाइएगा। अगर आप लोग को मालूम नहीं होगा तो आप लोग कैसे बना सकते हैं, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर आप लोग भी सीख लीजिए और अपने वीडियो पर थंबनेल लगाना यानी कि थंबनेल बनाना ये सब जान लीजिए। देखिए, जब YouTube पर आप लोग वीडियो बना रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जरूरत क्या है, थंबनेल बनाना। अगर आपको थंबनेल बनाने आ गया ना, तो आप लोग आपका वीडियो वीरल यानी कि वायरल हो सकता है। तो आप लोग अच्छा से अच्छा थंबनेल बनाने का कोशिश कीजिए। तो उसी के बारे में हम आप लोगों को बताने वाला हूँ और कौन सा एप्लीकेशन है जिससे आप लोग भी बहुत अच्छा यानी कि आप लोग थंबनेल बना सकते हैं। तो चलिए हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर और आप लोग भी सीख लीजिए कि कैसे थंबनेल बनाएं और किस एप्लीकेशन से थंबनेल बनाएं और अपने वीडियो पर लगाएं। जो जितने भी भाई हैं यूट्यूब पर आना चाहते हैं, चेहरा दिखाना चाहते हैं, टैलेंट दिखाना चाहते हैं, तो आप लोग यह सीख लीजिए कि थंबनेल कैसे बनाएं। चलिए हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर और सीख लीजिए कि थंबनेल कैसे बनाएं। हाँ तो चलिए गाइस, हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ गए हैं। तो हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि अगर आप लोग थंबनेल बनाना चाहते हैं तो किस एप्लीकेशन से थंबनेल बनाइएगा कि आपका थंबनेल बहुत अच्छा यानी कि देखने में सुंदर लगेगा। तो देखिए, पहले क्या कीजिए, अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर सर्च मारिएगा, एक एप्लीकेशन का नाम है पिक्सेल ऐप। देखिए यहाँ पर आ गया, इसी क्लिक कीजिए। या क्लिक करने के बाद देखिए आप लोगों के सामने कुछ इस तरह हो जाए, होकर आ जाएगा। तो इसी एप्लीकेशन से जितना भी यूट्यूबर है लोग, सब कोई इसी एप्लीकेशन से अपना अपना थंबनेल बनाते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कैसे बनाए। तो इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद देखिए, ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह आएगा। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से आप कोई भी एक कलर चूज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से कोई भी एक कलर चूज कर लीजिएगा, इधर से चाहिएगा तो इसमें से कोई भी एक कलर ले लीजिएगा। अगर आप लोग बैनर बनाना चाहते तो यहाँ से थ्री डॉट का दिखाई देता होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर इमेज साइज दिखाई देता होगा, तो इमेज साइज पर क्लिक कीजिए। इमेज साइज पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर तीर का निशान दिखाई देगा, तो इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ओके कर दीजिएगा। तो देखिए आप लोगों के सामने कुछ इस तरह आ गया। आने के बाद क्या कीजिएगा, अगर आप लोग इस पर फोटो जोड़ना चाहते हैं, यहाँ से फोटो एक ले लीजिएगा, कोई भी एक फ़ोटो ले लीजिएगा। यहाँ से चलिए हम मानते हैं कि यहीं एक फ़ोटो ले लेते हैं, या एक फ़ोटो ले लीजिएगा, इसी तरह लगा दीजिए। अगर आप लोग को बैकग्राउंड काटने नहीं आता होगा तो आप लोग कैसे बैकग्राउंड काटिएगा, चलिए इस तरह आप लोग अपना फ़ोटो लगा लीजिएगा। फोटो लगाने के बाद कुछ लिखना चाहते हैं तो इस पर ए का ए दिखाई देता होगा, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर टेक्स्ट लिखता है, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जो कुछ आप लिखना चाहते हैं वो सब अपने आप लोग लिख सकते हैं। देखिए जैसे इसी तरह आप लोग जितना कुछ लिखना चाहते हैं वो सब लिख सकते हैं, आप लोग जो जो चीज़ लिखना चाहते हैं वो सब लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा कर आ गया, इसी तरह आप लोग जो जो चीज़ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं अपने और अपने समझ से जैसा बनाना चाहते हैं अपना पोस्टर यानी कि थंबनेल वैसा बना सकते हैं। तो चलिए हम आप लोग को यह भी बता दें कि अपना फोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करें। अगर आप लोग का नहीं आता होगा तो चलिए ऑनलाइन रिमूव होगा। देखिए अपना क्रोम खोल लीजिए, क्रोम खोलने के बाद क्या कीजिएगा, क्रोम खोलने के बाद यहाँ पर लिखिएगा
रिमूव बीजी, यहाँ पर रिमूव बीजी पर क्लिक कीजिए। रिमूव बीजी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिमूव इमेज बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिएगा। बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर अपलोड इमेज, अपलोड इमेज पर क्लिक कीजिएगा। अपलोड इमेज पर क्लिक करने के बाद आप ब्राउजर पर लिख रहा है ब्राउज, उस पर क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद जो आप जिस फोटो का आपको बैकग्राउंड चेंज करना होगा, यानी कि चेंज करना, तो उसी को क्लिक कर लीजिए। चलिए इसका मानते हैं कि हम बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं, एक फोटो ले लिए इसका बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं। देखिए आप लोगों के सामने थोड़ा समय लेगा, नेटवर्क अगर फास्ट होगा तो फास्ट हो जाएगा, अगर नेटवर्क नहीं होगा तो थोड़ा समय लेगा। तो चलिए इसी तरह आप लोग का बैकग्राउंड चेंज यानी कि हो जाएगा, आपका फोटो सिर्फ बचेगा, आपका बैकग्राउंड गायब हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, It's 1:19 p.m.